सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस फैक्ट्स में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़े फैंडम की अगर हम बात करें तो वह है BTS आर्मी है। सो दोस्तों, वैसे में अगर BTS के कॉन्सर्ट की बात करें तो वो आर्मीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि उसमें BTS मेंबर्स आर्मीज़ के साथ होते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड कर इंजॉय करते हैं अपने म्यूज़िक और डांस के ज़रिए। सो दोस्तों, यही कुछ पल होता है BTS का कॉन्सर्ट, जो आर्मीज़ कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगी। सो दोस्तों, अगर हम उनकी टिकट की बात करें तो उनकी एक टिकट कुछ ही मिनटों या फिर घंटों में ही सोल्ड हो जाती है। सो दोस्तों, उनकी टिकट के लिए लोग लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दोस्तों, एक इंसिडेंट है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और अभी भी शॉकिंग इंसिडेंट है, जो कि हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ था और अभी भी उसे जैसे ही आर्मीज लोग याद करते हैं तो उन्हें भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट से ही हमें पता चलता है कि BTS आर्मी BTS से कितना ज़्यादा प्यार करती है। सो दोस्तों, ये इंसिडेंट बहुत ही पुराना है और उस वहाँ BTS काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी और अभी तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुकी है। तो दोस्तों, वही इंसिडेंट की आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल हम इस फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त में मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, अगर हम बात करें इंसिडेंट की, तो ये एक बार हुआ था जब BTS का कॉन्सर्ट अनाउंस किया गया था। ऑनलाइन तो पूरे टिकट सोल्ड हो गए थे सिर्फ 20 मिनट में। उसके बाद जैसे ही ऑफलाइन टिकट के बारे में अनाउंस किया गया, तो उसके कुछ दिनों बाद ही ऑफलाइन टिकट था, ऑनलाइन टिकट के बाद ही। सो दोस्तों, काफ़ी सारे BTS आर्मी ने उस टिकट काउंटर के बाहर ही अपना कैंपेन लगा दिया था और 3 से 4 दिन तक वो वहाँ पर रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर पुलिस से लेकर काफ़ी सारी रुकावटें उनको आई, मगर BTS आर्मी नहीं मान रहे थे। सो दोस्तों, उसके बाद दुनिया भर के आर्मी चौंक गए उन्हें देखकर, इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट BTS के लिए देखकर। और साथ ही साथ वहाँ पर ठंड भी थी और उस वजह से वहाँ पर उन्होंने ब्लैंकेट और स्वेटर पहनकर ही वहाँ पर बैठे थे, अपने कैंपेन रन कर रहे थे। सो दोस्तों, उस समय पुलिस ने भी उन्हें आकर मना किया था, मगर फिर भी वो माने नहीं। सो दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने 3 से 4 दिन तक वहाँ पर स्पेंड किया और जैसे ही वो ऑफलाइन टिकट स्टार्ट हुई, उन्होंने वो टिकट को परचेस कर लिया, मगर उसके बीच उन्हें काफ़ी ज़्यादा रुकावटें झेलनी पड़ी। सो दोस्तों, ये इंसिडेंट आर्मी को भी चौंका देता है और ये इंसिडेंट से ही साबित होता है कि BTS आर्मी ही सबसे बड़ा फैंडम है इस पूरी दुनिया में। बाकी आप सभी की क्या राय है इस वीडियो के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। बाकी आप सभी की क्या राय है मुझे बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।